एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल अरियन पब्लिकेशन। माय नेम इज शिवानी मित्तल एंड यू आर वाचिंग डेली करंट अफेयर सीरीज। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे मई 20, 2020 के कुछ टॉप न्यूज़ के बारे में। सो आइए मूव करते हैं। मई 20, 2020 की जो पहली न्यूज़ है वो यही है, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर टू टेक चार्ज एज WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड चेयरमैन। यानी कि जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, वो 22 मई को WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसके चेयरमैन के रूप में चार्ज लेने वाले हैं। अब ये जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है इसके चेयरमैन डॉक्टर हर्षवर्धन से पहले जो इसके चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर हिरोकी नाकातानी, जो कि जापान से बिलोंग करते हैं। इस एग्जीक्यूटिव बोर्ड में टोटल 34 मेंबर्स हैं जो कि 3 साल की टर्म्स के लिए इलेक्ट किए गए हैं। इस बोर्ड का जो मेन फंक्शन है वो यही है, हेल्थ असेंबली के लिए जितने भी डिसीजंस हैं, जितने भी पॉलिसीज लिए जाते हैं उसको टाइम टू टाइम इंप्लीमेंट करना। इसी के साथ नेक्स्ट न्यूज़ पे मूव करते हैं। 200 नॉन एसी पैसेंजर ट्रेन्स टू रन डेली फ्रॉम June 1st। यानी कि रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल ने ऐसा अनाउंसमेंट किया है कि इंडियन रेलवे 1 जून से 200 नॉन एसी पैसेंजर ट्रेन्स चलाएगी, वो भी डेली बेसिस पर। अब ये जितनी भी पैसेंजर ट्रेन्स चलेंगी इनकी जो ऑनलाइन टिकट बुकिंग होगी वो रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट या रेलवे की ऐप पर जल्द ही स्टार्ट होगी। ये जितनी भी ट्रेन चलेंगी इनका जो भी रूट और शेड्यूल होगा वो भी जल्दी इस साइट पर इंटीमेट किया जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट न्यूज़ पर मूव करते हैं। आयुष्मान भारत स्कीम बेनिफिशरीज क्रॉसेस 1 करोड़ मार्क। यानी कि जो इंडियन गवर्नमेंट की एक हेल्थ स्कीम है आयुष्मान भारत स्कीम, आज उसके जितने टोटल बेनिफिशरीज हैं वो 1 करोड़ से ज़्यादा हो गए हैं। इसी के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने आज जितने भी डॉक्टर, नर्स, हेल्थ केयर वर्कर या जितने भी लोग इस स्कीम से जुड़े हुए हैं उन सबको अप्रिशिएट किया है और उन सबको बधाई भी दी है। आज जो इस स्कीम की 1 करोड़ बेनिफिशरी हैं यानी कि पूजा थापा, वो मेघालय से बिलोंग करती हैं। आज मोदी जी ने उनसे टेलीफोन पे बात भी की है और इसी के लिए पूजा थापा ने इस स्कीम के लिए मोदी जी को धन्यवाद भी दिया है। ये जो इंडियन गवर्नमेंट की हेल्थ केयर स्कीम है यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत स्कीम, ये इंडिया में लॉन्च हुई थी 23 सितंबर 2018 को और ऐसा माना जाता है कि ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हेल्थ केयर स्कीम है। इसी के साथ नेक्स्ट न्यूज़ पे मूव करते हैं। यूपी गवर्नमेंट लॉन्चेस चिकित्सा सेतु ऐप। यानी कि उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, आज उन्होंने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। उस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है चिकित्सा सेतु। ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है ये कोरोना वॉरियर के लिए लॉन्च हुई है, कोरोना वॉरियर्स के लिए लॉन्च हुई। कोरोना वॉरियर यानी कि जितने भी हेल्थ केयर वर्कर हैं, सैनिटेशन वर्कर हैं, पुलिसमैन हैं, डॉक्टर, नर्सेस, जो भी लोग सिटीजन्स को बचा रहे हैं COVID-19 के इन्फेक्शन से, यानी कि जितने भी कोरोना वॉरियर हैं, ये ऐप उन लोगों को एक ऑफिशियल ट्रेनिंग कंटेंट प्रोवाइड करेगी, एक तरीके से अवेयरनेस और सेफ्टी प्रोवाइड करेगी उन लोगों को। डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन यानी कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का जो मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि लखनऊ में है और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नेंस जो कि हैदराबाद में है, इन तीनों ने मिलकर इस ऐप को क्रिएट किया है। इसी के साथ नेक्स्ट न्यूज़ पे मूव करते हैं। गवर्नमेंट लॉन्चेस नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप। यानी कि HRD मिनिस्ट्री ने आज एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मोबाइल ऐप डाउनलोड की, मोबाइल ऐप लॉन्च की है। उस मोबाइल ऐप का नाम है नेशनल टेस्ट अभ्यास। ये जो मोबाइल ऐप है ये जितने भी NTA के द्वारा एग्ज़ाम्स होते हैं, नीट एग्ज़ाम हो गया, JEE मेन हो गया या जितने भी और अदर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स हैं, जो भी बच्चे इन एग्ज़ाम्स को देते हैं, ये ऐप उन बच्चों के लिए डाउनलोड, उन बच्चों के लिए लॉन्च हुई है। अब इस ऐप के थ्रू क्या होगा, इस ऐप के थ्रू नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है डेली एक मॉक टेस्ट इस ऐप पर प्रोवाइड कराएगी। जो भी बच्चे इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे इन टेस्ट को, इन मॉक टेस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं और ऑफलाइन इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। एक बार जब बच्चा ये वाला टेस्ट अटेम्प्ट कर लेगा तो वो दोबारा से ऑनलाइन जाएगा, इस टेस्ट को सबमिट करेगा और वहाँ से उसे अपनी टेस्ट रिपोर्ट मिल जाएगी। इसी के साथ नेक्स्ट न्यूज़ पे मूव करते हैं। CBSE बोर्ड एग्जाम टू बी हेल्ड इन स्कूल वेयर स्टूडेंट्स एनरोल्ड। यानी कि HRD मिनिस्ट्री ने अभी 2 दिन पहले अनाउंस किया था कि CBSE के 10th और 12th बोर्ड एग्जाम जो पेंडिंग एग्जाम है वो 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में होंगे। अब HRD मिनिस्ट्री ने ऐसा कहा है कि जितने भी बोर्ड एग्जाम्स जो 10th और 12th के बोर्ड पेंडिंग एग्जाम्स हैं वो उसी सेंटर पर होंगे जहां पर बच्चा, जिस स्कूल से बच्चा वो एनरोल है। यानी कि जो एक्सटर्नल टेस्ट सेंटर पर जैसे बच्चे पहले जाके एग्जाम देते, तो एक्सटर्नल टेस्ट सेंटर पर एग्जाम नहीं होगा, जिस स्कूल में बच्चा एनरोल है वो इस बच्चे का सेंटर जो है वहीं पर होगा। अब मिनिस्ट्री ऐसा भी प्लान कर रही है कि जो बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट है वो जुलाई एंड तक आ जाएगा और इसी के लिए इवेल्यूशन प्रोसेस भी स्टार्ट हो गया है।
अब ये जितने भी एग्जाम्स हैं, इन एग्जाम्स में स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का जो नॉर्म है उसको फॉलो करे, और जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने सैनिटाइजर, अपने साथ अपना सैनिटाइजर और अपना मास्क जरूर लेके जाएं एग्जाम में। सो आज के सेशन में हम लोगों ने मई 20 2020 की कुछ टॉप न्यूज़ देखी। इसी के साथ कल फिर मिलेंगे आगे की न्यूज़ के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।